रविवार को नागपुर जिले में कक्षा पांचवी और आठवीं के लिए जिला स्तरीय छात्रवृत्ति अभ्यास परीक्षा आयोजित की गई। दोनों कक्षाओं के लगभग 9000 छात्र कल अभ्यास परीक्षा में शामिल हुए। जिला परिषद ने छात्रों की छात्रवृत्ति परीक्षाओं में सफलता सुनिश्चित करने और इन परीक्षाओं में जिलों का प्रतिशत बढ़ाने के लिए इस नागपुर पैटर्न को लागू करना शुरू कर दिया है। आज इसे काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। खास बात यह है कि इस परीक्षा के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठने की कोई शर्त नहीं थी। छात्र छात्रवृत्ति परीक्षा में बैठे या नहीं, हालांकि भूमिका प्रत्येक छात्र को छात्रवृत्ति परीक्षा की प्रकृति से अवगत कराने और छात्रों को उसी तर्ज पर आयोजित होने वाली नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में सफलता दिलाने की थी। जीवन में स्कूली शिक्षा जीवन दायिनी है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर ने आज पांचवी कक्षा के 7,687 और आठवीं कक्षा के 1,898 छात्रों को परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया। परीक्षा में पांचवी कक्षा के 93% और आठवीं कक्षा के 92% छात्र उपस्थित थे। यह परीक्षा 13 तालुकों में जिला परिषद के सभी स्कूलों में आयोजित की गई थी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।